लेकिन आज आपसे एक संवाद जरूरी है आठ का पाठ में। अगर आजादी के 75 साल बाद भी आप ये नहीं समझ पाए हैं कि मुट्ठी भर अंग्रेज विशाल भारत पर कैसे राज करते रहे, तो आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपको यह बात बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री का उदाहरण देकर समझाएंगे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने कैसे भारत पर राज किया। इस बात को आज हम आपको समझाएंगे बीबीसी का की डॉक्यूमेंट्री का उदाहरण देकर। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, मोदी को विलन पेश किया, खलनायक पेश किया, जिसमें देश की कानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाते हुए आधे अधूरे तथ्य दिखाए गए। सच के साथ छेड़छाड़ करके गुजरात दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराने की कोशिश की गई। बीबीसी के इसी दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा को कुछ लोग सच बता रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री से ब्लॉक हटाया जाए, और ब्लॉक किए जाने के बाद भी डॉक्यूमेंट्री देखने और दिखाने पर अड़े हुए हैं। मोदी विरोध में देश विरोध। खबर यह है कि देश की 3 यूनिवर्सिटीज में ऐसा करने की कोशिश की गई। वैसे मैं यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं भी बताता तो आप समझ जाते कौन सी यूनिवर्सिटीज में कोशिश हुई होगी। जेएनयू, जामिया, मतलब आपको नहीं भी बताता कि कहां पर यह डॉक्यूमेंट्री दिखाने की जिद हो रही है। एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए मतलब मारधाड़ हो रही है, तो आप समझ जाते। कल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भारत के खिलाफ बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 3 तस्वीरें आपके सामने, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कल रात ही टुकड़े गैंग की सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की गई, बवाल हुआ, आरोप लग रहे पत्थरबाजी हुई, और आज कैसे छोड़ देती ये मौका यहां के स्टूडेंट्स। जामिया में बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान हुआ। वैसे कुछ अप्रत्याशित नहीं है, इसलिए हमने आज एडर भी दिया है। टुकड़े गैंग प्रस्तुत करता है, ये टुकड़े गैंग की प्रस्तुति देश विरोधी डॉक्यूमेंट्री। सवाल आपसे, संवाद आपसे, सोचिए जो डॉक्यूमेंट्री सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ है, जो डॉक्यूमेंट्री देश में नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाती है, जिस डॉक्यूमेंट्री को देश की सरकार ब्लॉक कर चुकी है, हमारी सरकार एमईए विदेशी प्रोपोगंडा को, उसके डिजिटल एक्सेस को ब्लॉक कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जिस पूरे मुद्दे पर फैसला दे चुका है, उस डॉक्यूमेंट्री को हैदराबाद जेएनयू, जामिया प्रशासन मना कर चुका है जिस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने से। लेकिन कुछ तो अड़े हुए हैं, लेफ्ट विचारधारा के कई छात्र उस डॉक्यूमेंट्री के फैन हो गए हैं। ये दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री इनके मन को बहुत भारी है। हम लोग SFI, हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ओर से कॉल दिए हैं कि पूरे देश भर में हर एक कैंपस में हम लोग वो डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग करेंगे और लोगों के पास उस डॉक्यूमेंट्री को लेके जाएंगे। वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक न्यूज़ स्क्रीन को बंद करेंगे, हम लाखों न्यूज़ स्क्रीन को देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो QR कोड है आप में सब में बांटेंगे। इनसे पूछना चाहिए उड़ी की स्क्रीनिंग की थी क्या इन लोगों ने, उड़ी की स्क्रीनिंग, कश्मीर फाइल्स, छोड़िए कश्मीर फाइल्स, उड़ी हुई थी क्या स्क्रीनिंग यहां पर, मौका हाथ लग जाता है। हैदराबाद जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू और जामिया, ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं जहां देश की छवि खराब करने वाली बीबीसी की एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री का खुलकर समर्थन हो रहा है। ये 3 यूनिवर्सिटीज कई बार विवादों में भी रही है, बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन चलिए एक बार बता देते हैं सबसे ज्यादा विवादों में कौन सी रही है आप जानते हैं। जेएनयू, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, याद है ना आपको 2016 में जेएनयू भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग चुके हैं, जहां आतंकवादी अफजल को शहीद और भारतीय न्याय व्यवस्था को कातिल मानने वाली मानसिकता के लोग हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, याद है ना जेएनयू, मौका लग गया वहां पर यह हो रही है स्क्रीनिंग। ये वही लोग जेएनयू में नारे लगाते थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जेएनयू में साल 2000 में पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा हो चुका है, 2010 में
दंतेवाड़ा में, आपको ये चीजें याद कराने की जरूरत है जो इस वक्त नीचे चल रही है, 2010 में दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में हमारे 76 जवान शहीद हुए थे ना, यहां जश्न मन चुका है, जश्न मनाया गया था यहीं पर। 2014 में देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक पर्चे कहां बांटे गए, यहीं पर बांटे गए। 2016 में देश विरोधी नारे कहां लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहां पे लगे, यहीं पर। हैरानी की बात यह है कि जिस विचारधारा, आज जिस विचारधारा के लोग दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर रहे हैं, एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग आतंकवादी अफजल गुरु के लिए देश की न्याय व्यवस्था का विरोध कर चुके हैं, और आज फिर एक विदेशी प्रोपेगेंडा को देखने के लिए अपनी ही देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर आंख बंद कर चुके हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कैसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय न्याय व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी एक बड़ा दुष्प्रचार है, ये बात हम आपको लगातार दो एपिसोड से बता चुके हैं और आज दोबारा बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए, सिर्फ वामपंथी छात्र संगठन ही नहीं, सिर्फ वामपंथी पार्टियां ही नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के कई नेता भी चाहते हैं कि गुजरात दंगों पर फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये लोग चाहते हैं गुजरात दंगों पर बीबीसी की ये दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री की पूरे भारत में स्क्रीनिंग हो। कांग्रेस के कई बड़े नेता बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक किए जाने के फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम कांग्रेस के 3 डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करने जा रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, खबर को समझिएगा, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने विदेशी दुष्प्रचार में कांग्रेस के समर्थन से गुस्सा होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, इसी मुद्दे को लेकर अनिल एंटनी को कांग्रेस से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि, खबर समझिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विदेशी दुष्प्रचार को ब्लॉक किए जाने का समर्थन किया और कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि भाई विरोध जैसा भी हो लेकिन विदेशी प्रोपेगेंडा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उन्होंने आईना दिखा दिया। अब अपनी बात कहने की तो जगह है ही नहीं ना, आजादी है ही नहीं शायद कांग्रेस पार्टी में। अनिल एंटनी ने कहा था कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं की राय की बजाय, क्या कहा था, क्या गलत कहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ट्वीट देखिए, उन्होंने ट्वीट किया कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं की राय की बजाय बीबीसी के विचार को महत्व देने से देश की संप्रभुता प्रभावित होगी, क्या गलत कहा। अनिल एंटनी के मुताबिक उन्होंने देशहित में बीबीसी के दुष्प्रचार को ब्लॉक किए जाने का समर्थन किया, उनके लिए पार्टी से पहले देश था संभव था, लेकिन इसके बाद उन पर ट्वीट डिलीट करने का दबाव डाले जाने लगा। अनिल एंटनी ने यह भी कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, राहुल जी कहते हैं ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, अब मोहब्बत की दुकान खोलने वाले के समर्थक उन्हें गालियां दे रहे हैं। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जब से मैंने ट्वीट करा मुझे थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेट कॉल्स, धमकी भरे फोन आ रहे हैं उनको, थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। यह सहिष्णुता है कांग्रेस पार्टी की, यह टॉलरेंस है कांग्रेस पार्टी की। इसके बाद अनिल एंटनी ने कांग्रेस को अपने इस्तीफे की चिट्ठी भेज दी। अब चिट्ठी में क्या लिखा है वो सुनिए, सुनिएगा शब्दों को। इस चिट्ठी में अनिल एंटनी ने लिखा, एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, उन्होंने लिखा कि चाटुकारों और चमचों का झुंड है कांग्रेस, चाटुकारों और चमचों का झुंड है कांग्रेस, एके एंटनी के बेटे, ये बीजेपी ने नहीं कहा, बीजेपी के किसी नेता ने कहा हो, आरएसएस ने कहा हो, अनिल एंटनी एके एंटनी के बेटे कह रहे हैं चाटुकारों और चमचों का झुंड है कांग्रेस। सवाल यह कि कांग्रेस में जो बात कहने की आजादी दिग्विजय सिंह को तो है, मतलब आप एक तुलना करेंगे आज आपके सामने, दिग्विजय सिंह ने कहा, मतलब ये दो तस्वीरें देखिए और दोहरा चरित्र नंबर वन समझिएगा इसको, दिग्विजय सिंह ने सेना पर सवाल उठाया, एके एंटनी ने विदेशी दुष्प्रचार पर सवाल उठाया, ज्यादा गलत आपके हिसाब से क्या है, सेना पर सवाल उठाना या विदेशी दुष्प्रचार पर सवाल उठाना? आप कहेंगे सेना पर सवाल उठाना, लेकिन दिग्विजय सिंह तो पार्टी में बने हुए हैं, कोई एक्शन नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, बल्कि वो भी तब जब राहुल जी गुस्सा है दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर, जयराम रमेश गुस्सा है, लेकिन दिग्विजय सिंह पर कोई एक्शन नहीं, कोई थ्रेट कॉल्स नहीं, कहीं कुछ नहीं। एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उन्होंने विदेशी प्रोपेगेंडा पर सवाल उठा दिया, उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी, उनको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं,
दिग्विजय सिंह पर कोई एक्शन नहीं, लेकिन अनिल ए के एंटनी के मुताबिक उन्हें धमकी वाले फोन आए, यानी कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह को सेना पर सवाल उठाने की आजादी है, लेकिन ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के पास विदेशी दुष्प्रचार पर सवाल उठाने की आजादी नहीं है। अब दिग्विजय सिंह के पास क्यों है और अनिल एंटनी के पास क्यों है, यह भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अनिल एंटनी उन्हीं ए के एंटनी के बेटे हैं जिन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया था कि चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं को भी साथ लाना होगा। और दिग्विजय सिंह याद है आपको, हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। अब संभवतः अपने पिता की सलाह की कीमत चुका रहे हैं अनिल एंटनी, क्योंकि इनके पिता ने हिंदुओं को साथ लाने की बात करी, कांग्रेस के अति अल्पसंख्यक वाद को लेकर सवाल उठाया, इनको तो पार्टी छोड़नी पड़ी। दिग्विजय सिंह ने इनसे भी खतरनाक बयान दिया था जिससे खुद राहुल जी नाराज हो, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवा आतंकवाद की थ्योरी को संभवतः आगे बढ़ाते हैं, कहते 26/11 संघ की साजिश। पहला विरोधाभास मैंने आपको बताया, बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करते हुए कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि भारत में अच्छा दूसरा दोहरा चरित्र, ध्यान से समझिएगा पूरी खबर को भाई, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भारत के कुछ लोग टॉलरेंट नहीं है, सहिष्णु नहीं है, सच सुनने की हिम्मत नहीं है, टॉलरेंट नहीं है भारत के लोग, बीबीसी सच दिखा रही है, कुछ लोग घबरा रहे हैं, टॉलरेंट नहीं है। कांग्रेस पार्टी की टॉलरेंस देखी, अनिल एंटनी को लेकर सहिष्णुता क्यों नहीं दिखाई कांग्रेस पार्टी ने, उनके रुख को लेकर, उनकी बात को लेकर कितनी टॉलरेंस देखी कांग्रेस पार्टी में। टॉलरेंस पर लेक्चर देना आसान है, लेकिन जब अपने पर आई तो फिर धमकी भरी कॉल आ गई और फिर अनिल एंटनी को पार्टी छोड़नी पड़ी। उसके बाद क्योंकि किसी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा कि भाई इतनी तो टॉलरेंट है कांग्रेस पार्टी, सहिष्णु है, विचारों की आजादी है। एक तरफ आप लेक्चर दे रहे हैं कि इंडिया में कुछ लोग टॉलरेंट नहीं है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, आप कितने टॉलरेंट है, इतनी असहिष्णुता एंटनी के बयान को लेकर। सीधा सवाल, भारत में बीबीसी को अपना दुष्प्रचार फैलाने की आजादी तो है, लेकिन कांग्रेस में किसी को देश हित के सवाल पर अपनी देश की संवैधानिक संस्था के साथ खड़े रहने की आजादी क्यों नहीं है। तीसरा दोहरा चरित्र विरोधाभास के बारे में जानिए, जो कांग्रेस पार्टी लगातार, अब देखिए दोहरा चरित्र यह है कि आपको सेना पर भरोसा नहीं है लेकिन आपको विदेशी दुष्प्रचार पर भरोसा है, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, आपको सेना पर भरोसा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया ना सर्जिकल स्ट्राइक पर, सेना पर, आपको सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं है, लेकिन बीबीसी जो कह दे वो तो एकदम मतलब ब्रह्म सत्य, ब्रह्म वाक्य, विदेशी एजेंसी पर भरोसा है, सेना पर भरोसा क्यों नहीं है। तीन दोहरे चरित्र आज बताने जरूरी थे इस खबर का विश्लेषण करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक किए जाने को कांग्रेस के कई नेता अघोषित आपातकाल मानते हैं। खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सच्चाई बता चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि सच्चाई को सामने आने की आदत है, सच्चाई को कैद नहीं किया जा सकता, विदेशी जो भी है बीबीसी वो सच है, पूरा सच है। You will see in it, it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth is shines bright. अच्छा, सेना पर भरोसा नहीं है, सेना सच्ची नहीं है, सेना से सबूत मांगते हैं, बीबीसी से सबूत मांगा कि भाई कैसे आपने लिख दिया, कैसे आपने ये डॉक्यूमेंट्री बना दी, नानावटी आयोग का क्यों नहीं जिक्र किया, ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं, बीबीसी जो कह दे वो हो, विदेशी प्रोपेगेंडा मोहर लगा देंगे आप, सेना से सबूत मांगते हैं, अपनी सेना से सबूत मांगेंगे, बीबीसी से सबूत मांगे ना भाई, कैसे भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, कैसे देश के सर्वोच्च अदालत का मजाक उड़ाया, हिम्मत कैसे हुई। लेकिन मोदी विरोध में भी चलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर दुष्प्रचार का ढोल पीटने वालों से एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या ये पहली बार है जब बीबीसी के भारत विरोधी फिल्म के खिलाफ एक्शन लिया गया हो, क्या यह पहला मौका है जब बीबीसी के भारत विरोधी चरित्र की पोल खुली हो। पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में है, बीबीसी के सम्मान में या विदेशी प्रोपेगेंडा के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में कि ब्लॉक हटा दो, पहली बार हो रहा है ये। क्या बीबीसी ने पहली बार दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की है,
कांग्रेस के नेता कर रहे हैं ना ये कोशिश कि भाई आप ब्लॉक हटा दीजिए, बीबीसी के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ नहीं। इसके जवाब में आज हम कांग्रेस के लिए इतिहास का एक रियर व्यू मिरर लाए, मतलब एक गाड़ी में एक रियर व्यू मिरर होता है ना, जिसमें आप गाड़ी आगे चलाने के लिए आपको पीछे देखना बहुत जरूरी होता है। रियर व्यू मिरर होता है जिसमें आप पीछे देखते हैं तब आप अच्छी गाड़ी आगे चला पाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक रियर व्यू मिरर लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस को इंदिरा गांधी के शासन के दौर की यादें ताजा करते हैं बीबीसी को लेकर। आज कांग्रेस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक किए जाने को अघोषित आपातकाल बता रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को 29 जुलाई 1970 की तारीख नोट कर लेनी चाहिए। बीबीसी के कंटेंट को ब्लॉक क्यों किया, कांग्रेस पार्टी कह रही है ना। अब सुनिए, इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी को भारत से निकाल दिया था। इंदिरा गांधी के आदेश पर भारत में बीबीसी के ऑफिस पर ताले जड़ दिए गए थे। क्यों? क्योंकि 10 जून 1970 को बीबीसी ने भारत की छवि खराब करने वाली एक फिल्म ब्रॉडकास्ट की थी। अगर यह अघोषित आपातकाल है जो यहां की सरकार कर रही है, मोदी सरकार, तो यह भी क्या अघोषित आपातकाल था भाई। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने उस वक्त बीबीसी और ब्रिटेन को चिट्ठी लिखी और भारत विरोधी फिल्में रोकने के लिए कहा। बीबीसी नहीं माना, जैसा भी नहीं मान रहा है। तो जानते हैं इंदिरा गांधी ने क्या किया था। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रहित को पहले रखते हुए, भारत के सम्मान को पहले रखते हुए, इंदिरा गांधी ने नेशन फर्स्ट को आगे रखते हुए, भारत के सम्मान को आगे रखते हुए बीबीसी को देश निकाला दे दिया था। मतलब इंदिरा गांधी की सरकार ने खुद यह स्वीकार किया कि बीबीसी भारत विरोधी कंटेंट बनाती है। इंदिरा गांधी की सरकार ने माना था कि बीबीसी दुनिया के सामने भारत की नकारात्मक छवि पेश करती है। अगर वही बात मोदी सरकार दोहरा रही है तो आपातकाल हो गया। कांग्रेस सवाल उठा रही है, इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए भाई। बीबीसी को लेकर आखिर कांग्रेस में डबल स्टैंडर्ड क्यों है? बीबीसी पर आखिर कांग्रेस की इतनी दिलचस्पी क्यों है? हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? मतलब इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सोच अलग और अब की कांग्रेस की सोच अलग है। जो बीबीसी इंदिरा गांधी के समय भारत विरोधी रही, वो मोदी सरकार पर भारत की हितैषी कैसे हो सकती है? सोचिए भाई, बांटो और राज करो चलता है इनका, तो ये तो बांटते और राज करते हैं। साफ है कि दुष्प्रचार गैंग की आंखों पर मोदी विरोध की ऐसी पट्टी बंधी है जिसके बाद वो बीबीसी के भारत विरोधी तस्वीर को देखना नहीं चाहते। मोदी के विरोध में उन्हें देश के खिलाफ दुष्प्रचार भी कबूल हो जाता है। और इसीलिए आज ये बताना जरूरी कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शुद्ध दुष्प्रचार क्यों है। ये हम आपको बता चुके हैं, 2 एपिसोड लगातार दिखा चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से यादें ताजा करेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री का सच आपको बताते हैं। गुजरात दंगों पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन पार्ट 1। इस डॉक्यूमेंट्री में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट के सहारे साबित करने की कोशिश की गई कि दंगों के लिए नरेंद्र मोदी दोषी थे और दंगों के दौरान प्रशासन की ओर से दंगाइयों को खुली छूट दी गई थी। ये सब कुछ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ। आधी अधूरी और भ्रामक जानकारियों के सहारे दुष्प्रचार फैलाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के डिजिटल एक्सेस को ब्लॉक किया गया। डॉक्यूमेंट्री के लिए के जरिए बीबीसी ने न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कानूनी प्रक्रियाओं को भी नीचा दिखाने की कोशिश की। बीबीसी ने भारत विरोधी, भारत की कानून व्यवस्था विरोधी डॉक्यूमेंट्री में यह सच छिपा लिया कि गुजरात दंगों के 22 साल बाद साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंगों को राज्य प्रायोजित अपराध नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने अपने दुष्प्रचार के लिए जिस गुलबर्गा सोसाइटी का जिक्र किया है, उस मामले में जाकिया जाफर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए खारिज कर चुका है, केस में मेरिट नहीं है। लेकिन बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में यह बात छिपा ली। बीबीसी ने यह भी नहीं बताया भाई कि एक कथित समाजसेवी तीस्ता सीतलवाड़ा और 2 पूर्व पुलिस अफसरों को झूठी जानकारियां फैलाने के आरोप में जेल में है अभी। यह नहीं बताया बीबीसी ने कि गुजरात दंगों के बाद खुद नरेंद्र मोदी ने नानावटी आयोग का गठन किया था ताकि उनकी सरकार पर लगने वाले आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके। नेशन फर्स्ट जरूरी है, मोदी विरोध में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि देश हित पीछे छूट जाए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।